जोधपुर में नाबालिग लड़की से गैंग रेप मामले को लेकर, जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर NOCI का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी के गेट के सामने सोमवार रोड पर लेटकर ABBP के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, गैंग रेप के दोषियों को फांसी की सजा को लेकर JLN मार्ग जाम कर दिया, अजमेर के ब्यावर से प्रेमी के साथ भागकर जोधपुर आई नाबालिग लड़की से, नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में रेप हुआ, पावटा रेलवे लाइन से होते हुए तीन दरिंदे कैंपस की टूटी दीवार से घुसकर दोनों को हॉकी के मैदान में ले गए, दरिंदों ने प्रेमी के सामने नाबालिग लड़की से दरिंदगी की। 16 जुलाई को सुबह 5 बजे तक लड़की से दरिंदों ने कैंपस में गैंग रेप किया। इस जकजोर करदनी वाली घटना के कई लोभोल रहे जो सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। उदय मंदिर पुलिस चौकी के पास हुआ गैंग रेप, नाबालिग जोड़े को पावटा रेल लाइन के सहारे ओल्ड कैंपस ले जाया गया। इसी ओल्ड कैंपस में जहां रेप हुआ, वहां से उदय मंदिर ओल्ड कैंपस चौकी की दूरी महज 100 मीटर है। इससे पता चलता है कि दरिंदगों के हौसले कितने बुलंद हैं। उदय मंदिर थाना पुलिस एक्टिव होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर ये है कि लड़की की गुमशुदगी उसके परिवार ने ब्यावर थाने में शनिवार रात 9 बजे लिखा दी। शिकायत में साफ लिखा था कि 15 जुलाई की शाम 5 बजे से 16 साल की लड़की लापता है, घर से बिना बताए चली गई, उसने जींस टॉप पहना है, आसपास तलाश किया, रिश्तेदारों से पूछा, कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसी सूचना मिली है कि वो अपने दोस्त के साथ गई। परिजनों ने शिकायत में उस दोस्त का नाम भी लिखा था जिसके साथ लड़की गई और जिसके सामने गैंग रेप हुआ। परिजनों ने बताया कि लड़की का मोबाइल बंद आ रहा है, पुलिस जल्दी लड़की को तलाश करे, लेकिन ब्यावर में पुलिस निश्चिंत रही। यही लड़की अगर किसी पुलिस अधिकारी या जनप्रतिनिधि की होती तो सभी जिलों को अलर्ट कर दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिकायत दर्ज करने के बाद समय बाद लड़की से गैंग रेप हुआ। राजस्थान में आए दिन हो रही रेप की घटना कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार व रेप की घटनाएं आम बात हो गई है। सरकार व कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना को लेकर राज्य के सभी जिलों में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है। लोगों व छात्रों में भारी आक्रोश है। राजस्थान की इतनी कानून व्यवस्था गिर गई है। खुलेआम कॉलेज परिसर में गैंग रेप जैसी घटनाएं हो रही है।